तीन महीने बाद कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में काबिज होने वाली है और शिवराज जी का ढोल ऐसा है कि उसमें कई पोल है। शिवराज के ढोल की कई पोल, ढोल जोर जोर से आवाज देता है, दूर तक सुनाई देता है। शिवराज जी जोर जोर से 8 करोड़ रुपए का एक पांडाल लगाते हैं, खाना खिलाते हैं, बसें भेजते हैं, भीड़ बुलवाते हैं और 8 करोड़ रुपया खर्च करके भाषण देते हैं, माइक लगाते हैं। माँ शारदा की नगरी सतना में मैहर में हमारे जितने हमारे पत्रकार बंधु का स्वागत करते हैं। ये शक्तिपीठ है, माँ की आराधना और कृपा पाने के लिए देश विदेश से दुनिया भर से सभी जीव जंतु इंसान परिवार के वो साथी जो अपने घरों में सुख शांति समृद्धि देश में समाज में चाहते हैं वो आशीर्वाद लेने आते हैं। और माँ की शक्ति स्वरूप बेटी कुछ दिन पहले जिस तरीके से शर्मसार पूरा मैयर हुआ, सपना हुआ, पूरे देश और दुनिया में निर्भया जैसा कांड, यहाँ घटित हुआ, मैं मानता हूँ कि ये शिवराज सरकार का फेल्यूर है। और जिस तरीके से एनसीईआरटी के आंकड़े 3 दिन पहले संसद में पेश हुए उसमें लगभग 14 लाख के आसपास बेटियां पूरे देश में जिनका अपहरण हुआ, लापता हुई, एफआईआर हुई और पता नहीं चला कि कहाँ है हम, उसके आंकड़े आए। उसमें नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने मध्य प्रदेश की बेटियों के हालात पर भी अपना चिंतन मनन और सही जानकारी देश के सामने रखी। शिवराज जी एक तरफ तो बहना योजना की बात करते हैं जिसमें बेटियों को संबल देंगे, आर्थिक समृद्धि देंगे, ताकतवर बनाएंगे, सम्मान बढ़ाएंगे, स्वाभिमान बढ़ाएंगे और दूसरी तरफ 2 लाख बेटियां 2019 से 21 तक यहाँ गायब हुई। 2 लाख बेटियां मतलब लगभग 33% परिवारजनों से एक एक बेटी का किसी न किसी रूप में या तो अपहरण हुआ या बलात्कार हुआ या छेड़खानी हुई या किसी न किसी रूप में इस तरह की मध्य प्रदेश की वस्तु स्थिति या परिस्थिति देश के सामने आई। ये शिवराज जी जो बोलते हैं और जो उनका शासन प्रशासन की जो व्यवस्था है वो अलग अलग है। शिवराज जी जोर जोर से 8 करोड़ रुपए का एक पांडाल लगाते हैं, खाना खिलाते हैं, बसें भेजते हैं, भीड़ बुलवाते हैं और 8 करोड़ रुपया खर्च करके भाषण देते हैं, माइक लगाते हैं और सम्मान और स्वाभिमान की बात करते हैं और दूसरी तरफ बेटियों के सम्मान की, स्वाभिमान की, सुरक्षा की क्या स्थिति है, ये आज नरेंद्र मोदी जी ने देश के सामने एनसीईआरटी के आंकड़ों से बताया। मैं मानता हूँ बड़ा निंदनीय हुआ जिस तरीके से कलेक्टर पे और जिम्मेवार लोगों पे कार्रवाई होनी थी उसमें सरकार नगण्य रही। शिवराज जी को इस भावना को कि मैं बेटियों की सुरक्षा के लिए कोई कोई कृत करेगा तो फांसी के फंदे को झूलना पड़ेगा। 2 दिन पहले ही, आज से 6 महीने पहले एक बेटी का बलात्कार करने वाला आरोपी छूटा है तो वो जो फांसी के फंदे पे चढ़ने वाली भाषा और परिभाषा, उनका झूठ जनता के सामने आई है। मैं फिर से आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ, शिवराज जी का ढोल ऐसा है कि उसमें कई पोल है, शिवराज के ढोल की कई पोल, ढोल जोर जोर से आवाज देता है, दूर तक सुनाई देता है, आवाज भी ऐसी करता है कि लोगों के कानों में गूंज जाए पर उसके अंदर बहुत बड़ी पोल होती है। शिवराज जी इसी तरह के ढोल हैं जिनके अंदर कई प्रकार की पोल है। मैं मानता हूं कि एनसीईआरटी के आंकड़े, आर्थिक हालात, मध्य प्रदेश की बेरोजगारी की स्थिति, किसानों के दयनीय स्थिति और आम जनता का महंगाई से जीना दुर्भर हुआ, 1000 रुपया देंगे और किचन ऑयल जो मीठा तेल या सरसों का तेल घर में यूज होता है केवल एक आइटम में ही 3000 रुपये वापस छीन लेंगे। 1000 रुपया देंगे गैस के कनेक्शन पे 1100 1150 रुपये वापस छीन लेंगे। 1000 रुपया देंगे
और पेट्रोल डीजल के नाम पे एक परिवार से फिर 5,000 रुपया महीने का छीन लेंगे, 1,000 रुपया देंगे और जो राशन 10,000 रुपया में आता था वो अब सीधा 18,000 रुपया में आता है एक परिवार, मतलब 1,000 देंगे और 10,000 छीनेंगे। ये बहनों की सुरक्षा करने का भाव मध्य प्रदेश सरकार का है, मतलब बहनों को देख के वोट ले और भैयाओं को लूट के घर में तनाव पैदा करें। ये शिवराज के असली शासन का मतक के निकल के आता है। मैं फिर से शिवराज जी से मांग करता हूँ, सरकार से मांग करता हूँ कि जो दोषी अधिकारी कर्मचारी है, जब इस तरह के लोग थे बिना विज्ञापन से उनकी नियुक्ति क्यों हुई, जब इस तरह के कृत्य करने वालों को फांसी के फंदे पे चढ़ाना है तो कानून व्यवस्था संभालने वाले के फेलियर पर सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या TI के खिलाफ कार्रवाई की, क्या SP के खिलाफ की, क्या कलेक्टर के खिलाफ की? मतलब केवल सब गोलमाल, झूठ, पाखंड, भ्रम, ये सरकार का मोटिव बन गया है। मैं फिर से 3 महीने बाद कांग्रेस की सरकार मध्यप्रदेश में काबिज होने वाली है और इस संदर्भ में कि कानून व्यवस्था, बहनों की स्थिति, किसानों के प्रति सरकार का रवैया और युवाओं को बेरोजगारी को लेकर नशे में पूरा प्रदेश झुकना, इस सरकार के फेलियर को हम जन जन तक ले जाएंगे। जैसा कि कांग्रेस पार्टी ने अपना 5-point प्रोग्राम दिए, हमारी हर तरह की तैयारी, वो चाहे इलेक्शन की कमेटियाँ हो, चाहे प्रबंधन की कमेटियाँ हो, चाहे सर्च की कमेटी इलेक्शन की हो, सारी नियुक्तियां हो गई है। मैं मानता हूं कि आने वाले समय में इस युद्ध का आगाज है, चुनाव की तारीख का इंतजार है, जनता और भारतीय जनता पार्टी में चुनाव होना है। कांग्रेस जनता के साथ चुनाव भारी बहुमत से जीतेगी, बीजेपी भारी बहुमत से हारेगी। धन्यवाद।